आनंद जरा बताइए कि रेलवे स्टेशन के आसपास क्या स्थिति, क्योंकि अश्विनी बता रहे थे कि वहां भी जल जमाव की स्थिति हो गई है। सुभांकर जी आपको बता दें कि हम इस समय सायन रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो रेलवे ट्रैक जो है पूरा नदी का स्वरूप धारण किया हुआ है। यहाँ पे ट्रेनें आने जाने की ट्रेनें जो हैं पूरी तरह से बंद है। लोग स्टेशनों पे खड़े हैं, जो अति आवश्यक सेवा थी उनके लिए यहाँ पर इमरजेंसी से ट्रेनें चलाई जा रही थी, लेकिन ट्रेन एक घंटे से ज़्यादा हो गए हैं, अप लाइन डाउन लाइन दोनों लाइनें बंद हैं। रेलवे प्रशासन की तरफ से घोषणा की जा रही है कि लोकल ट्रेनें पानी ट्रैक पर भरने की वजह से बंद कर दी गई हैं। कहीं न कहीं बीएमसी के दावों का रेलवे प्रशासन का पूरा पोल खोल करते हुए यह ट्रैक नजर आ रहा है। समुद्र का रूप धारण कर चुका है, जिस तरह से आप देखेंगे कि समुद्र में भी हाई टाइड आने वाला है, उसको लेकर के भी काफी सारी सावधानियां बरती गई हैं, लेकिन ट्रैक पर नदी का स्वरूप आनंद जरा एक संक्षिप्त में जवाब दीजिए, उसके बाद मैं श्रेणी के पास जाऊंगा। जो दर्शक आपको देश भर में देख रहे हैं उन्हें बताइए क्या वजह होती जो इस तरह से पानी भर गया, लग रहा है ये समंदर का इलाका तो यही है, वजह क्या है ऐसी, क्योंकि मानसून अभी आया नहीं, एक दिन पहले की बारिश ये है। शुभांकर जी बता दें आपको कि ट्रेन जो है नहीं आ रही है, अभी ट्रेन बंद पड़ी हुई है और जो पानी का बहाव है वह निचले इलाकों में ज़्यादा जमता है। मानसून से पहले की ये बारिश है और साफ सफाई नहीं होने की वजह से जो है मुंबई के निचले इलाकों में हमेशा अक्सर पानी भर जाता है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है शुभांकर जी। और वही हालात जो है रेलवे स्टेशनों की होती है, जब रेलवे स्टेशनों के ट्रैक पर पानी भर जाते हैं तो पूरी तरह से रेलवे सेवा ठीक है ठप पड़ जाती है, मुंबई की लाइफ लाइन कहे जाने बिल्कुल बिल्कुल। और दर्शकों बता दें कि मानसून जो है वो एक दिन पहले आया, जिस तरह बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि एक दिन पहले की बारिश है, जो फिक्स मानसून की डेट थी उससे एक दिन पहले का ये हाल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।